हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैरी मिक्स में। और दोस्तों, मैं आज बात करूंगा आपको जो आजकल एक तरह से फ्रॉड जो चल रहा है, मैं ओएलएक्स की बात करूंगा, जहां पर आप अपनी पुरानी चीज़ें बेचते हैं और किसी से पुरानी चीज़ें खरीदते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक व्हील चेयर थी जो मेरे दादाजी के लिए थी, और उसको मैंने सोचा ओएलएक्स पर डालकर देखता हूँ, शायद अच्छे रेट में बिक जाए, एक अच्छे रेट में सेल हो जाए। दोस्तों, मैंने जब वो चेयर को डाला तो विद इन 5 मिनट्स में ही मुझे कॉल्स आई, दो कॉल्स आई, दोनों ही इंडियन आर्मी से बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे। और दोस्तों, मज़े की बात ये है, एक में तो फ़ोन काट ही दिया जब मैंने थोड़ी सी इंक्वायरी की, दूसरे ने तो देखो मुझे कॉल चलती में ही अपना व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज किया। व्हाट्सएप पे प्रोफाइल जो थी वो भी आर्मी पर्सन्स की लगी हुई थी, और साथ में जो मैसेजेस किए वो भी आर्मी की, कुछ फोटोग्राफ्स की, और साथ में एक कोड सेंड किया जिसको बोला इसको स्कैन करके मैं पेमेंट जो है उनकी रिसीव कर लूँगा। मैं फुल प्रोसेस आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे भी लेकर चलता हूँ। आइए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए कैसे ये फ्रॉड को उन्होंने अंजाम देने की कोशिश की। जी दोस्तों, मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर आपका स्वागत है, और सबसे पहले ओएलएक्स को ओपन कर लेते हैं। जी देखिए दोस्तों, ओएलएक्स पे ना मैंने थोड़ी देर पहले ही एक एड डाली थी, जैसे माई एड में जाकर आपको बताऊंगा। जी देखो, व्हील चेयर फॉर ओल्ड एज की जो मैंने एड जहाँ पे डाली थी, और 8 व्यूज़ आ चुके हैं इसके। और ये देखिए, मैंने चैट में जाता हूँ, इस एड के रिस्पांस में ना मुझे दो इंक्वायरीज आई, एक रंजीत कुमार की और एक ओएलएक्स यूज़र की। ये देखो, ओएलएक्स जो कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करो एक पूछा गया है, और मैंने ये अपना मोबाइल नंबर भेज दिया है ना, और इस पे भी प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट, और इस पे भी मैंने अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दिया है। और दोस्तों, उसके साथ ही मुझे ना कॉल आ गई, कॉल का भी मैं आपको बताऊंगा अभी मुझे। जे देखिए, जो 444 वाला नंबर जो देख रहे हो ना, जे वाला नंबर, इससे मुझे रिकॉर्डिंग के कॉल आ साथ ही मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए गए, वो मैसेज मुझसे डिलीट हो गए, लेकिन इस नंबर से, वही नंबर से। और इन्होंने देखो, इंडियन आर्मी के कुछ जवान हैं, उनकी फ़ोटो जो प्रोफाइल फ़ोटो लगाई रखी है, और मुझे कॉल पे भी जो कहा वो भी मैं आपको सुना दूंगा। उन्होंने बोला कि आपका प्रोडक्ट हम तुरंत ख़रीद लेंगे, और हम आपको, आप जैसे चाहो पेमेंट कर देंगे, अभी अपना गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आप चलाते हो बताओ। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक स्कैन कोड भेजा, और पूछा भी इसको स्कैन करो और 1 रुपया पहले प्राप्त कर लो। मैं स्कैन वगैरह ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे पता चल चुका था कि वे ये स्कैन जो है, ये उनकी जहाँ तो रिक्वेस्ट आएगी या स्कैन के जरिए मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी उल्टा। तो दोस्तों, इस प्रकार का कोई भी कॉल आए ओएलएक्स पे, ये स्कैम आजकल बहुत चल रहा है, इससे बचने के लिए कोई भी कॉल आपको आई तो इससे बचना चाहिए, तुरंत आपको करना चाहिए उसका मतलब फ़ोन काट देना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार आपसे फ्रॉड हो सकता है। और वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाता हूँ मैं इसी वीडियो में। और आइए अब कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। हेलो, हेलो, सत श्री अकाल। सतनाम सिंह से बात हो रहा है वीरे? हाँ हाँ, जी, वीरे आपका व्हील चेयर फॉर ऑनलाइन देखा था, सेल हो गया अवेलेबल अवेलेबल ही अभी तो डाला ही है एड, 5 मिनट भी नहीं हुए। है? अच्छा, तो फाइनल कितने में होंगे वीरे? कितों बोलते भाई तुम? तो बोल दो जी। हाँ जी, होशियारपुर आर्मी कैंप से बात कर रहा हूँ वीरे। अच्छा, भाई यार, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ वीरे, फौजी बंदा हूँ, आर्मी कैंप दस रहा हूँ, कल दस रहा हूँ अच्छा, 4500 में लग जाएगा। ओके 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 ओके, पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा वीरे? हाँ, पेमेंट ऑनलाइन हो जाता है? क्या बोल रहे हो? पेमेंट ऑनलाइन होता है क्या? पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा।
ओके 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 ओके। तो वीरे देखो मेरे को अर्जेंट में लेना, मैं अभी बंदा भेज देता हूँ पिकअप करने के लिए, चलेगा? चलेगा चलेगा। क्योंकि वो अपना ना जो मैसेज है उसका थोड़ा फ्रैक्चर आ गया रीढ़ की हड्डी में, अच्छा। हाँ हाँ तो उसके लिए जरूरत पड़ रहा है वीरे। ठीक है, ले लो, कोई नहीं। तो वीरे पेमेंट ऑनलाइन के लिए क्या यूज करते हो आप? जो आप जो बोलोगे हो जाएगा। नहीं, आप भी तो यूज करते होंगे जी पे, फोन पे, पेटीएम, क्या यूज करते हो? हाँ, गूगल पे कर दो। ठीक है वीर, आप ये व्हाट्सएप नंबर है वीर आपका? व्हाट्सएप नंबर भी है, गूगल पे भी यही है। ठीक है, तो वीर मैं आपको आर्मी हेडक्वार्टर मर्चेंट मशीन आर्मी चेक वाउचर लाल पेमेंट लगा देता हूँ। आप अपने गूगल पे फोन पे में स्कैन करके अमाउंट चेक कर लीजिए लाइन पे की वीर। ओके, पहले आपने कभी आर्मी से पेमेंट लिया नहीं लिया वीर, ये बता दो मेरे को एक बार। आर्मी से? नहीं, नहीं लिया तो फर्स्ट में मैं आपको 1 रुपीज चेक कराऊंगा, 1 रुपीज रिसीव हो जाएगा, फिर बड़ा अमाउंट भेजूंगा, आपको मालूम हो जाएगा, बराबर ना? ठीक है ठीक है। क्योंकि सर यहाँ से आर्मी हेडक्वार्टर मर्चेंट मशीन आर्मी चेक वाउचर से पेमेंट किया जाता है वीरे, जो आपको स्कैन करके अमाउंट रिसीव करना पड़ेगा। अच्छा बराबर, ठीक है। हाँ एक बार व्हाट्सएप ओपन करो वीरे अपना। कौन सा? व्हाट्सएप ओपन करो, व्हाट्सएप एक मिनट। ओपन किया, मैंने अपना इमेज वगैरह भेजा है और आर्मी हेडक्वार्टर का फोटो भी भेजा है, आपको मालूम हो जाएगा ना किससे बात कर रहे हो वीरे। येलो करो ना फिर। हेलो, अच्छा, मिला? हाँ, ये आपका दिखा रहा है सतनाम सिंह सनोफ विजय सिंह। हाँ जी हाँ जी, बराबर हमारे मशीन में। तो अभी आपको आर्मी चेक वाउचर भेजा है फर्स्ट में, आप फोन पे पेटीएम भी यूज करते हो ना वीरे? गूगल पे। फोन पे पेटीएम यूज नहीं करते हो? नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, गूगल पे से हो जाएगा। अभी आपके पास सिंगल मोबाइल फोन है डबल है वीरे? सिंगल ही है। क्योंकि जो आर्मी चेक वाउचर भेजा जा रहा है ना तो वीरे, वो आपको अपने गूगल पे में स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन करोगे अमाउंट शो हो जाएगा, शो होने के बाद नीचे प्रोसेस टू पे क्लिक करके इंटरप्रिंट डाल के बैलेंस चेक कर लेना, बराबर? ठीक है। हाँ अभी पहले अपना ओल्ड बैलेंस चेक कंफर्म कर लीजिए वीरे एक बार ना, ओल्ड बैलेंस। अच्छा, पहले ओल्ड बैलेंस कंफर्म करके तब इसको स्कैन करके अमाउंट जमा करो, बराबर? क्योंकि 1 रुपए का छोटा अमाउंट होता है ना, कभी मालूम नहीं हो वीरे। हेलो, करो अगर आपने चेयर लेनी है ना, मुझे गूगल पे सीधा ही कर दो, ऐसे स्कैन के चक्कर में मत पड़ो भाई, सीधे नहीं होता वीरे यहाँ से। अगर चाहिए तो सीधा ही करना पड़ेगा दोस्तों। इस तरह के फ्रॉड से हमें बचना चाहिए। ये वीडियो डालने का मेरा यही मकसद है कि आपके साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि कई बार हम तो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, आईटी से जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे हर चीज़ का पता रहता है। हो सकता है कई बार लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भोले वाले लोग हैं, उनको ऐसा नहीं पता चले तो साथ में अपना कोई वो कस्टमर समझ कर उनके द्वारा भेजा हुआ जो कोड है वो उसको स्कैन कर लें और उल्टा उनके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, उनको रिसीव तो कुछ नहीं होगा। इस तरह के फ्रॉड के से बचना चाहिए दोस्तों। तो ये देखा आपने, कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन ली और ओएलएक्स पे मैंने आपको ऐड भी वो सारा प्रोसीजर बताया किस तरह से ये फ्रॉड को अंजाम देते हैं दोस्तों। इस तरह के फ्रॉड से पूरा सतर्क रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की जानकारी वाली, इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।